गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अफजल खान एंड आई एम योर सब्जेक्ट टीचर मैथ्स क्लास थर्ड। देखिए बच्चों, इसमें आपका मैं 6 लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी एक्सरसाइज 8 लेसन में शुरू कर रहा हूँ। मेजरिंग वेट, भार मापन, भार को मापना किसी चीज़ का। यदि हम देखिए, आप सब्ज़ी वगैरह लेने जाते हैं तो वो लोग तराजू से तौलते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ऐसी चीज़ें तौलते हैं। तो ये लेसन इसी पर ही है। तो इसमें लेट्स रिवाइज में देखिए, फर्स्ट इसमें जो दिया गया है उसमें ये वाला 1 kg, 10 kg, 3 kg और 180 kg। हम लोग को पिक्चर्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो, चूज़ देयर वेट्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इनका हमें भार अनुमान लगाना है कि इनमें कौन सा भार आ सकता है। देखिए, तरबूज 3 kg का होता है, बड़ा रहता है तरबूज। आम हम 1 kg भी ले सकते हैं, जैसे इसमें 5 दिया है क्वांटिटी, तो इसमें 1 kg। आलू 10 kg, ये आलू हैं, इसमें 10 किलो हो सकते हैं। 180 kg में लॉइन हो सकता है, ये इतना वज़नी होता है 180 kg में। सर्किल द मोस्ट लाइकली वेट, इसमें देखिए ग्राम और किलोग्राम दिया गया है, लेकिन हमें देखना है डॉग है, क्या वो 6 ग्राम का हो सकता है? नहीं, वो 6 किलो का हो सकता है। तो उस पर सर्किल कर देंगे, 6 kg पर इस पर हम सर्किल कर देंगे। इसके बाद देखिए, 3 kg और 3 ग्राम, 3 ग्राम का हो सकता है क्या बंदर? नहीं हो सकता, 3 kg का हो सकता है, 3 किलो का हो सकता है बंदर का बच्चा। और तीसरे पर देखिए आप, बर्ड है तो ये 100 ग्राम की हो सकती है, ये 100 किलो की नहीं हो सकती, बहुत छोटी चिड़िया होती है, 100 किलो तो बहुत ज़्यादा होता है। अब 4 पर एलिफेंट दिया गया है तो ये 3000 किलोग्राम, 3000 ग्राम का भी नहीं हो सकता, किलोग्राम का हो सकता है। और शीप दिया है 90 kg पर करेंगे हम इसमें, और ये फ्रॉग जो है इसको 200 ग्राम का कर देंगे, 200 किलोग्राम नहीं करेंगे, 200 किलोग्राम बहुत हो गया, इसलिए फ्रॉक का वेट इतना नहीं होता है, 200 ग्राम का हो सकता है। अब इसमें सी वाले मार्क द वेट्स दैट यू विल नीड टू वेट द फॉलोइंग। जैसे ये 750 ग्राम की है बुक, तो हम इसमें क्या क्या कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, हमें इसमें ये देखना पड़ेगा आपको कि हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है। इसमें से जो वाले जो दिए गए हैं, इनमें से हमें सेलेक्ट करना है। हमें 700, 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम, इसको अगर हम रखेंगे तो ये वेट पूरा हो जाएगा। 700, 500 प्लस 250, तो ये हो गया आपका 750 ग्राम। तो इस पे कर देंगे हम, ये लगे हुए हैं दोनों पे। इसके बाद वाला देखिए आप, इसमें है ये, इसमें है 2 kg 500 ग्राम, तो इसमें हम 2 kg लेंगे और 5 ग्राम लेंगे, इसमें 2 kg और 5 ग्राम, 500 ग्राम, 2 किलोग्राम और 500 ग्राम, तो हो गया पूरा 250, 2 किलो 500 ग्राम हो गया, 2 किलो 500 ग्राम हो गया। अब देखिए 450 ग्राम, इसमें हमें 250 का एक लेनी पड़ेगा और इसमें एक हमें लेने पड़ेगा 100 और एक और 100, तो ये हो गया आपका 450 ग्राम। 250, 100, 350 प्लस 100, 450, तो ये तीन लेंगे इसमें से। इसके बाद 5 kg, 350 ग्राम, इसमें देखिए 5 kg लेंगे हम और 250 और 100 ग्राम, तो ये हो गया 5 किलो और 350 ग्राम। तो ये इसमें ये वाला, ये और ये, इसको करेंगे। अब देखिए, मेजरिंग वेट मास, वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट टू वेट फॉर लाइट ऑब्जेक्ट वी यूज़ ग्राम एंड फॉर हैवियर ऑब्जेक्ट वी यूज़ किलोग्राम। जो लाइट चीज़ होती है उसे हम ग्राम में तोलते हैं, छोटी चीज़ों को, हल्की वाली, और जो भारी रहती हैं उन्हें हम किलोग्राम में तोलते हैं, किलोग्राम।
तो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है और 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। बिटवीन अ ग्राम एंड किलोग्राम देयर आर वेरियस वेट्स यूज बाय द शॉपकीपर्स। व्हेन यू बाय थिंग्स वी मस्ट मेक श्योर दैट शॉपकीपर्स यूज दीज स्टैंडर्ड वेट्स 10 ग्राम 20 ग्राम 50 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम 1 kg। ठीक है, इतने ये यूज़ किए जाते हैं वेट में। तो बच्चों इतना इसको करेंगे आप कॉपी पर और बुक में भी भरेंगे और इसके बाद में इसका अगला कुछ और आगे का एक्सरसाइज कराऊंगा। ओके, थैंक यू।